हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है जहां पर हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमर अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेता है तो वो डिसीजंस के पीछे क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हो एज अ कंज्यूमर तो आप क्या सोचते हो? नहीं ना। ये चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हमको समझेगा कि क्यों हम कोई स्पेसिफिक चीज़ लेते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, वो सारे लॉजिक को हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उसके पास रिसोर्सेज हर बार स्केर्स होते हैं और उसके वॉन्ट्स क्या होते हैं? यस, अनलिमिटेड है। तो उसे क्या करना है? इन रिसोर्सेज को सही से यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वॉन्ट्स फुलफ़िल कर सके। जब भी वो डिसीजन लेगा कि मुझे ये रिसोर्स को, ये वांट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करना है, वो सारे डिसीजंस को जब भी तुम इकट्ठा करोगे तो ये डिसीजन से क्या पता चलता है? यस, ह्यूमन बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। और कभी जब भी ह्यूमन ये प्रॉब्लम है, अभी ह्यूमन दो रोल प्ले करता है। कभी कभार ह्यूमन कंज्यूमर का डिसीजन लेता है और कभी कभार ह्यूमन प्रोड्यूसर का डिसीजन लेता है। तो बहुत सिंपल है, कंज्यूमर का डिसीजन जब भी तुम इकट्ठा करके पढ़ोगे, यू विल गेट व्हाट? यस, कंज्यूमर बिहेवियर, जो हम लोग भी पढ़ने वाले, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड 3। तो हम चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स है। दूसरी बाजू हम लोग प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, देन वी विल गेट प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में इन चैप्टर नंबर 4। सो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे और प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ यस कंज्यूमर बिहेवियर। एज अ कंज्यूमर तुम जानते हो कि तुम्हारी बहुत सारी वॉन्ट्स होती है लाइफ में, और इन वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए हमको क्या लगता है? गुड्स एंड सर्विस, ये भी हम जानते हैं। मार्केट में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है जो हमारी वॉन्ट्स को फुलफिल करते हैं। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सोचो कि तुम्हें भूख लगी, तो अभी खाना खाना तुम्हारी वॉन्ट है। अभी ये वॉन्ट को फुलफिल करने के लिए तुम लोग कहाँ पर जाओगे? या तो घर पे या फिर होटल में। फॉर एग्जांपल तुम लोग होटल में, अभी होटल में पहुँचने के बाद तुम्हें एक मेनू दिया जाएगा। अभी मेनू में तो बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, ये सारी खाने की चीज़ें आपकी वॉन्ट को फुलफिल कर सकती है। यस, बट क्या सारी खाने की चीज़ों के अंदर तुम्हारी वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का पावर सेम होता है क्या? नहीं। तुम नोटिस करोगे कि खाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, डोसा इज देयर, दाबेली इज देयर, सैंडविच इज देयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब तुमको सेम सेटिस्फाई नहीं करती, जिसका मतलब तुम्हें सब चीज़ें सेम पसंद नहीं है। तो तुम क्या करते हो? वो चीज़ ऑर्डर करते जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती। तो तुमने एक नोटिस किया कि मार्केट के अंदर वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स तो बहुत है, लेकिन हर गुड्स के अंदर सेटिस्फाई करने का पावर अलग अलग है। और ये सेटिस्फाई करने का जो पावर अलग अलग होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सो वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उसका सेटिस्फाइंग पावर जो होगा, जो अलग अलग होता है, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इन सिंपल टर्म, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर किसके अंदर है? गुड्स एंड सर्विस। तो ये गुड्स एंड सर्विस को अगर मैं कमोडिटी बोलूँ तो भी राइट है। सो एक सिंप्लीफाइड वे पे मुझे पता चल गया कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। हमें कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ना था कि एज अ कंज्यूमर हम डिसीजन कैसे लेते हैं। डिसीजन लेते समय हम लोग सबसे पहली चीज़ किस पे ध्यान देंगे? सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी का पूरा एक एनालिसिस किया गया है। जो अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो यूटिलिटी का वो लोग एनालिसिस करते कि किस तरह हमारी यूटिलिटी कम होती है और ज़्यादा होती है। बट वॉट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटीज वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का पावर, जो किस में होगा? कमोडिटी के अंदर। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर स्टैनली जीवंस। उन्होंने बताया यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी मीन्स वॉट? सेटिस्फाइंग पावर, बराबर है। कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू डू वॉट? सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। सो तुम लोग लिखो यूटिलिटी का मीनिंग, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, दैट इज ऑल्सो राइट। और डेफिनेशन वाइज लिखते हो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट।
तो राइट नाउ मैंने ये वीडियो में आपको अब तक जो क्लैरिफाई किया वो ये किया कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के लिए हमें ह्यूमन के डिसीजंस को पढ़ना होता है, और ह्यूमन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लेता है और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। आज के लेक्चर में हम लोग कंज्यूमर डिसीजंस पढ़ेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे, और कंज्यूमर अपने डिसीजंस को लेते समय क्या सोचता है तो पता चला कंज्यूमर सेटिस्फाइंग पावर के बारे में सोचता है, जिसको बोला जाता है यूटिलिटी। बिकॉज हम अगर अपने वॉन्ट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, मार्केट में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है, ये गुड्स एंड सर्विस के अंदर सेटिस्फाइंग पावर अवेलेबल होता है, बट ये सेटिस्फाइंग पावर सब में सेम होता नहीं है, और ये सेटिस्फाइंग पावर को बोला जाता है यूटिलिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में सब गुड्स के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन सबके अंदर यूटिलिटी अलग अलग होती है, और ये यूटिलिटी को डिफाइन किया है प्रोफेसर स्टैनली जीवंस ने, यूटिलिटी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ ए कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अभी ये यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय दो चीज़ें दिमाग में रखनी। नंबर वन, हम जब ये सेटिस्फाइंग पावर की बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, मतलब मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मिला नहीं है। बिकॉज ऑर्डर करते समय कभी भी होटल में तुमने वो प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ नहीं होता है, तुम सिर्फ नाम देखकर अंदाजा लगाते कि तुम्हें इतना शायद से यूटिलिटी मिलेगा। इट इज नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, मतलब जो तुम्हें मिला नहीं है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इतना मिलेगा, उसी के हिसाब से तुम ऑर्डर करते हो। बिकॉज एक्चुअल तो ऑर्डर करने के बाद होता है, और हमें कंज्यूमर के डिसीजन के पहले दिमाग में जो चल रहा है वो पढ़ना है, इसीलिए यूटिलिटी को पढ़ा जाता है, और ये यूटिलिटी एक्चुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। तो मेक अ नोट स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज नॉट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन एंड इट इज नॉट गेटिंग आफ्टर purchasing the product. We want to study what is in the mind of a human while purchasing or before purchasing. Second, ये जो satisfaction होता है ना वो commodity के अंदर नहीं है, not an intrinsic value, it is not internal or intrinsic value of the commodity. Actually वो हमारे दिमाग में होता, अगर commodity के अंदर होता तो सारे लोगों को सेम मिलता। जैसे कि तुम कभी भी कोई commodity purchase करते हो तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर इतने कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, कभी देखा यूटिलिटी को ऐसे लिखा हुआ? नहीं, क्योंकि ये यूटिलिटी जो होता है, सेटिस्फाइंग पावर होता है, सबके लिए क्या होता है? अलग अलग, और सबके लिए अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर। हमने वो प्रोडक्ट को देख कर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किए हैं, और ये एक्सपेक्टेशन जितने ज़्यादा क्रिएट करेंगे उतनी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। सिंपल है। सो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एक ये एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है, और दूसरा ये प्रोडक्ट के अंदर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को यूटिलिटी का मीनिंग पूरा क्लैरिफाई किया, जो कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट स्टेप है। अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले, दैट इज विद द नेक्स्ट पार्ट, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी।